Niente così. जाए जंगली जाए जंगली यार, अगर बारिश नहीं होती ना तो सही सही में मतलब काफ़ी बढ़िया सा लगता है, पर बारिश के चक्कर में यार पूरा मूड भी ख़राब हो रखा है हैंगर की। गाइस हमारी मंजिल तो खूबसूरत है, पर मंजिल तक जाने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है भाई। यहाँ पे तो ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं ना गाइस, मतलब बार बार रुक के दिखाने का मन कर रहा है आप लोगों को। रुकेंगे, हम रुक जाते हैं यहीं पर। पूरी बाबा क्या गांव है सामने भाई, क्या हरे भरे हो रखे हमारे उत्तराखंड के पहाड़ यार। और एक गांव देखो ना, कितनी सुंदर जगह पे है। क्या भाई यार, तू बजरंगबली का भक्तों के डरता है यार, तू चलेटों से। तो वैसे भी हमने भाई स्कूटी वहां पे लगा दी है। और बाकी ये रहा बाबा नीम करोली जी का मंदिर सामने, कैसी धाम। ये देखो जी, तो हेलो गाइस, दी वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही इस प्यारी सी सुंदर सी जगह से, द सिटी ऑफ लेक नैनीताल साइड से। और अभी फ़िलहाल हम हैं भीमताल में। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम पहुँचे थे भीमताल में, और उसके बाद हमने नाइट में यहाँ रूम वगैरह लिया। और रूम भी हमने ऐसी जगह पे लिया ना कि जहाँ से सुबह सुबह उठें और इतना प्यारा सा व्यू आए। पर भाई बारिश ने आज काम ख़राब कर दिया, क्योंकि कल रात से लगी है बारिश, और अभी हमको निकलना था कैंची धाम के लिए, पर क्या करें भाई बारिश ने आज, पर जाना तो पड़ेगा हमको, क्या ना, क्योंकि आज हमको टिहरी वापस जाना है। तो पहले कैंची धाम चलते हैं, दर्शन करके आते हैं नीम करोली बाबा जी के, देन उसके बाद हम निकलते हैं अपने टिहरी के लिए। बारिश देखो मतलब बहुत तेज़ी लगी है, और उस तरफ देखो भाई पहाड़ों पे क्या तो बादल लगे हैं प्यारे प्यारे। पर यहाँ से जो नज़ारा आ रहा ना सुबह सुबह का, मैं कैमरा भी ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, पर आंखों से देखने में जो हाय हाय नज़ारे हैं ना भाई। और बाकी ये है अपना रूम, अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। ऐसा कुछ रूम था आपका, और साथ वाला हमेशा यहीं गायब रहता है, और ये टीवी है जो कि चलती है नहीं, ये पंखा जिसकी ज़रूरत है नहीं, यहाँ इतना ठंडा पड़ रहा है भाई साहब, क्या बताएँ। और बाकी ये सामान वगैरह फैला रखा है लोगों ने अपना। तो यार अब भी हमको फटाफट रेडी होना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा कैंची धाम के लिए, क्योंकि अभी बज चुके हैं सुबह के 7। तो मतलब अगर हम वहाँ से 9 बजे भी आते हैं वापस, 9 बजे तो खैर मुश्किल आएंगे, क्योंकि दर्शन तो लेट ही होंगे, भीड़ भड़ाका होगा बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि हमको टिहरी पहुँचने में रात तो हो ही जाएगी आज, पर चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो वैसे अभी हम हो चुके हैं भाई रेडी एकदम फर्स्ट क्लास, बैग वगैरह पैक करके, और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से यार। A few moments later. तो वैसे अभी जो है हम भाई रूम वगैरह छोड़ के आ चुके हैं आगे, बाकी अभी थोड़ी बारिश रुकी है, तो इसलिए मैंने गोप्रो वगैरह भी लगा दिया है अपने हेलमेट पे। और एक बार मैप देख लेते हैं यार हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, है ना, कि पता चला भयंकर 40 किलोमीटर गलत चले गए तब जाके। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, चल ब्रो बैठ अब, तो चले गाइस लेट्स गो, चलते हैं अब यहाँ से कैंची धाम के लिए। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। यार अगर बारिश नहीं होती ना तो सही सही में मतलब काफ़ी बढ़िया सा लगता है, पर बारिश के चक्कर में यार पूरा मूड भी ख़राब हो रखा है हैंगर की। अरे रे खराब रोड, ओ भाई पहाड़ देख रहे सामने के, तू क्या मस्त लग रहा है। तो क्या सभी ने सुबह के 7:30 बज चुके हैं, और अभी फिलहाल हम कैंची धाम तो जा रहे हैं, उसके बाद वहां से आके हमको निकलना है टिहरी गढ़वाल के लिए अपने। तो देखते हैं, अभी तो 7:30 बज रहे हैं, अब कब तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। आने में तो भाई मतलब हमको 7-8 घंटे लग चुके थे, यहाँ से कहाँ हो गया, इधर ही हो गया ना। देख देख मैप देख के पड़ेगा भाई। अरे यार भाई तू मैप अपने फ़ोन पे लगा लेना ब्रो,
ये तो तू कर सकता है। और गाइस नैनीताल में ना कैंची धाम के अलावा आपको मतलब कैंची धाम तो नैनीताल से कम 18 किलोमीटर दूर है, पर जो नैनीताल है मेन मार्केट जहाँ पे ये भीमताल है मोड़ रोड के बगल पे ना, यहाँ पे एक माता का मंदिर है जो कि सिद्धपीठ में से एक है जिसका नाम है नैना देवी माता का मंदिर। तो नैना देवी यहाँ इसलिए नाम पड़ा था कि यहाँ माता सती की आँखें पड़ी थी, तो उसके चक्कर में उसको बोलते हैं नैना देवी माता का मंदिर। तो हम उधर भी जाते पर सीन तो बारिश ने ख़राब कर दिया है ना, और अभी इतना टाइम भी नहीं है हम पे कि हम वहाँ जा पाए, अभी तो हम कैंची धाम ही जा रहे हैं। तो देखते हैं अगर आके क्या होता है वहाँ से। तो अभी तो फटाफट कवर करने की ट्राई कर रहे हैं हम, बाकी देखते हैं अभी वहाँ से आके क्या होता है, कैसा रूप दिखाता है मौसम अभी। गाइस हमारी मंजिल तो खूबसूरत है, पर मंजिल तक जाने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। ये देखो भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ओ भाई भाई ये कौन है, गोरी बाबा सा का उसके बाल देख पे हैंगर। सफ़र का ही था मैं सफ़र का रहा भाई। यहाँ पे तो ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं ना गाइस, मतलब बार बार रुक के दिखाने का मन कर रहा है आप लोगों को। रुकेंगे हम भी, रुक जाते हैं यहीं पे। पूरी बाबा क्या गांव है सामने, देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यहाँ से वहाँ तक। भाई क्या हरे भरे हो रखे हमारे उत्तराखंड के पहाड़ यार, और एक गांव देखो ना कितनी सुंदर जगह पे है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। तो गाइस बात कुछ ऐसी है ना, यह नज़ारे ऐसे हैं कि बार बार ना चाह के भी रुकना पड़ता है भाई। और गाइस ये मोड़ आ चुके हैं ऋषिकेश के साथ मोड़ की तरह। तुम रक्षक का हो तो करना। अभी हमको इससे आगे जाना पड़ेगा क्योंकि ये भाई हमारा दिमाग खराब करेगा। A few moments later. तो वैसे अभी हमने भाई स्कूटी वहाँ पे लगा दिया, और बाकी ये रहा बाबा नीम करोली जी का मंदिर सामने कैसी धाम। फाइनली भाई हम भी आ चुके हैं आज, आज बाबा जी का बुलावा है तो भाई चल भाई जल्दी आ इधर से। भाई बहुत टाइम से आने की सोच रहे थे यहाँ पर, आ नहीं पा रहे थे यार, पर फाइनली आज पहुँच चुके हैं हम यहाँ बाबा जी के मंदिर में। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट दर्शन करते हैं। तो कैसा लग रहा है? तो कैसे ये बहरी है नदी, और इस तरफ हमारे बाबा जी का मंदिर। तो अभी ना अंदर कैमरा वगैरह ले जाना सख्त मना इधर, तो कैमरा में डाल रहा हूँ जेब में, बाकी आपसे मिलते हैं बाद में दर्शन वगैरह करके। चलिए चल भाई। तो कैसे अभी हम दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं बाबा जी के बजरंग बली के, और अभी यहाँ से हम कुछ ले जाते हैं जरा घर के लिए, बाबा नीम करोली जी की फोटो वगैरह ले जाते हैं। तो चले भाई ऊपर चलते हैं शॉप पे। A few moments later. तो जी अभी हम आ चुके हैं कैंची धाम से बहुत आगे गाइस, और बाकी सामने देखो आप क्या माहौल हो रखा है पहाड़ों का अभी। तो अभी जाके बारिश रुकी तो मैंने अभी गोपर वगैरह लगा दिया। चल तो बैठ भाई चलते हैं अब, और अब जाना भाई हमको 350 किलोमीटर, सही सलामत घर पहुँच जाए हम। और अभी सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो पहले खाना खाते कहीं पर रुक के जहाँ पे हमने कल खाया था ना आते टाइम, जो मैंने आपको लोकेशन बताई थी प्यारी सी। चलिए फटाफट चलते भाई।
और एक तो ये रोड पतली है, ऊपर से हमारे पास स्कूटी है, तो जैसे कोई आगे गाड़ी वाला चल रहा है तो ओवरटेक करने में इतनी दिक्कत हो रही है ना। तो वैसे अभी हम ना आए तो ऊपर वाले रूट से थे, पर अभी हम नीचे वाले से जा रहे हैं। अब पता नहीं हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं भाई, क्योंकि हमको जाना तो हल्द्वानी है, तो नैनीताल जाके कोई फ़ायदा तो है नहीं। ओ भाई जा तो माहौल रखा यार पहाड़ों का। भाई वैसे हम गलत ना जाएं यार कहीं, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क भी नहीं आ रहा जो हम गूगल मैप पे चेक करें। तो वैसे अभी फ़िलहाल आ चुका भाई अपना नाश्ता वगैरह, अभी पराठे और यहाँ पे चाय, और सामने भी कैसे नज़ारे है। हाँ भाई तो कैसा हो रहा है? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो क्या अभी फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं नाजियाबाद, और भाई अभी हमने कम से कम 260-70 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और अब जाके रुके भाई हम। भाई साहब ऐसी हालत ख़राब होगी ना आज, आते टाइम तो कुछ पता चला नहीं, पर अभी जाते टाइम जब वापस जा रहे हैं ना, रास्ता बहुत दूर दूर लग रहा है, ऐसा लग रहा है रोड ख़त्म क्यों नहीं हो रही। भाई तभी रुके यहाँ पे, और अभी तक बस भीगते आ रहे हैं भाई। 260 किलोमीटर हम प्रॉपर भीगते हुए आए हैं। तो इसी के साथ बारिश में भीगते भीगते और थकार के हम पहुंच जाते हैं अपने अपने घर, और होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, और इसके बाद जो अपना गोप्रो है वो हो जाता है डेड। और इसी के साथ यार जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाकी मिलते हैं फिर आपसे किसी और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।